हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर किसे कहते हैं और थ्री फेस मोटर का पावर फैक्टर नो लोड कंडीशन में कितना होता है और फुल लोड कंडीशन में कितना होता है। तो मेरे पास ये थ्री फेस मोटर है, इसका पावर फैक्टर दिया हुआ है, आप एक बार देख लो। एक मोटर और आ रही है, इसका पावर फैक्टर है 0.73। नीचे करना पड़ेगा, ये पावर फैक्टर है 0.73। और मेरे पास दूसरी मोटर भी है, इसका पावर फैक्टर 6.5। तो ये जो कॉस फाई है, और भी मोटर होती हैं, किसी का 0.8 भी होता है, तो ये जो लिखा रहता है ये हमारा पावर फैक्टर फुल लोड कंडीशन का होता है। तो वैसे फुल लोड कंडीशन में अमूमन हम 0.8 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे जैसे लिखा है 0.73, तो जो मोटर पे लिखा है वो उसका फुल लोड कंडीशन का होता है। ये छोटी मोटर है, स्टार में चल रही है, इसलिए इनका पावर फैक्टर कम है। जो मोटर डेल्टा में चलेगी उसका 0.8 मिलेगा, डेल्टा वाली का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे आगे चलता हूं, तो ये मैंने एक लाइन बनाई ग्राफ। तो कॉस फाई जो होता है पावर फैक्टर, वो एक रेशियो होता है, किसका किस किस का होता है, आई ई बटे आई। आई ई कहते हैं एनर्जी कंपोनेंट ऑफ करंट, एक्टिव करंट बटे टोटल करंट, किलोवाट अपॉन केवीए या आर अपॉन जेड। अब किसी भी रूप में ले लो इस, अब इनको मैं ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, यहां पे आप देख लो। तो यहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए वोल्टेज को मैं यहां लूंगा, वोल्टेज हमेशा यही आएगा, वोल्टेज फिक्स है, वोल्टेज का फेस एंगल फिक्स है। और जो आई ई कंपोनेंट है, ये वाले जो एक्टिव है, ये इसके साथ आएंगे, आई ई और के डब्ल्यू और आर, ये तीनों इसके साथ आते हैं। इसका मतलब इनका जो फेस एंगल है वोल्टेज के साथ सेम रहता है। और इधर आता है हमारा आई एन के वी ए आर लैगिंग और एक्स एन, ये लैगिंग कंपोनेंट है जो कि 90 डिग्री इससे लैग करते हैं। और ऊपर आता है आई सी और के बी ए आर लीडिंग और एक्स सी। अब पावर फैक्टर मींस, अगर हमारा मोटर का हम पावर फैक्टर देखें, तो जब हम मोटर को लोड देते नहीं है, जैसे नो लोड कंडीशन में चला रहे हैं, और जब हम मोटर को फुल लोड में चला रहे हैं, तो जब हम मोटर को लोड कंडीशन में चलाते हैं, तो मैंने 0.8 माना, ये 0.8 पावर फैक्टर है, तो ये 0.8 है। इसका मतलब ये होगा कि कॉस फाई का मतलब क्या है, मैं यहां पर निकालता हूं, तो यहां पे आएगा कैपिटल आई और जेड और के वी ए, ये यहां पे आएंगे। और बीच का जो एंगल है इसे कहते हैं फाई, क्या कहते हैं, फाई। अब ये कॉस फाई क्या होता है, कॉस फाई होता है, अगर मैं इसका ट्राइंगल बनाऊं, तो कॉस थीटा बराबर का क्या होता है, ये हमारा इसका क्या होगा आधार, और ये होगा ये बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे का, तो यहां पे आधार क्या है, ये बेस। तो कॉस फाई इसका मान अगर करंट के रूप में लेते हैं तो क्या आता है, आई ई बटे, इसमें क्या है टोटल करंट क्या है, बराबर अगर हम किलोवाट और केवीए में लेते हैं तो किलोवाट बटे केवीए, और अगर हम आर अपॉन
ये तीनों फॉर्मेट में किसी में भी हम ले सकते हैं, हमारा कॉस फाई आ जाए। ठीक है, अब मोटर का नो लोड टू फुल लोड कंडीशन में क्या किस चीज में अंतर आता है? तो यहां पे दो कंपोनेंट होते हैं करंट के, जो कैपिटल आई है, आई बराबर होता है अंडर रूट आई ई स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर। ये करंट का एनर्जी कंपोनेंट है और ये करंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। यहां पे जो आई ई है वो किस कारण से होता है और आई एम है वो किस कारण से होता है, ये दोनों हम देखते हैं। आई ई होता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जो वाइंडिंग होती है वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, जो करंट होगा एनर्जी कंपोनेंट ऑफ करंट वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण होगा एक तो। दूसरा होता है लोड कंडीशन, मैकेनिकल लोड। कौन सा लोड? अब मैकेनिकल लोड और आई एम ए, ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट। और जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो लॉसेस है, आयरन लॉस, आयरन लॉस। तो आयरन लॉसेस तो हमारे फिक्स होंगे, चाहे मोटर को आप फुल लोड पर चलाओ चाहे कम लोड पर चलाओ। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये कंपोनेंट है आई ई, ये वाला, और एक आई एम, ये कंपोनेंट तो अपनी जगह फिक्स होगा, लेकिन जो ऊपर वाला कंपोनेंट है, जब आई कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे क्या फॉर्मूला है? कॉस पाई बराबर आई ई अपॉन आई। तो आई ई वेरी करेगा इसके रेस्पेक्ट में, आई भी वेरी करेगा। तो यहां पे जो आई एम है ये क्या है, लगभग कॉन्स्टेंट रहेगा, लगभग ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल, मतलब नो लोड से लेकर फुल लोड तक इसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बट ये चेंज होगा। ठीक है, तो ये यहां पे हम कैसे लगेंगे? आई ई अगर कम होगा तो देखो अभी आई हमारा यहाँ है, मान लो आई यहाँ फुल लोड कंडीशन में हम देखते हैं तो हमारा आई ई ज्यादा है, तो ज्यादा है तो कैपिटल आई वाली जो लाइन है, अब मैं यहाँ पे देखूंगा टोटल आई। शुरुआत में क्या होता है, जब हम पूरी लोड सॉरी फुल लोड कंडीशन में मोटर को चलाते हैं तो हमारी जो लाइन है कैपिटल आई वाली वो यहाँ है और फाई छोटा हो। ठीक है, और जब हम इसको लोड कंडीशन कम आई ई यहां पे आई ई इतना है, अब लोड धीरे धीरे कम करेंगे तो जो आई ई है ये वाला आधार ये धीरे धीरे कम होगा, बट ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। देखो अब ये यहां पे मान लो तो आई एम की वैल्यू ये और आई ई की वैल्यू ये है, अब हम इसका लोड धीरे धीरे कम कर रहे हैं तो आई का मान कम हो रहा है, देखो आई ना, जब ये कम होगा तो जो फाई है वो इंक्रीज होगा, तो ये हमारा धीरे धीरे ऐसे करके कम होता जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कम होगी ना, मान लो ये इतनी हो गई फिर ये इतनी हो गई, तो अब देखो यहां पे फाई देखेंगे तो फाई इतना हो गया ना, तो ये तो अपनी जगह फिक्स है, मैंने बताया ना आई एम का मान लगभग फिक्स रहता है, बट आई ई का जो मान है ना यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया, आप देख रहे हो ना, तो आई ई रिड्यूस होने की वजह से, क्योंकि मैकेनिकल लोड क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है, तो कॉस फाई जो फाई है हमारा, अब कॉस जीरो का मान कितना होता है और कॉस वन का मान, इसका मतलब है कि जैसे जैसे फाई इंक्रीज होगा तो फाई कॉस जीरो का मान वन होता है ना, तो हम वन की तरफ जाएंगे, और जैसे जैसे ये जो लाइन है ऊपर की तरफ जाएगी तो हम जीरो की तरफ जाएंगे, तो अल्टीमेटली जब कॉस जीरो पहुंच जाएंगे तो वन हो जाएगा, तो जो लोड रेजिस्टिव लोड होते हैं उसका पावर फैक्टर वन होता है ना, क्योंकि उसमें ये कंपोनेंट नहीं होता है,
तो ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे होती है। तो इसीलिए हमारा जब मोटर फुल लोड कंडीशन में होती है तो ये फाई इतना होता है, जब नो लोड कंडीशन में होती है तो यहाँ तो नो लोड का जो पावर फैक्टर होगा वो लगभग 0.3 से लेके 0.4 तक होता है। 0.2 भी आ सकता है, तो मैं 0.2 भी ले लेता हूँ, पहले 0.2। और फुल लोड का पावर फैक्टर, फुल लोड कंडीशन धीरे धीरे क्या होता है, पावर फैक्टर बढ़ता है और फुल लोड कंडीशन में जाके नियर 2.8 के करीब होता है जो मोटर पर लिखा है। लेकिन मोटर डेल्टा की होगी तो इतना लिखा होगा, स्टार में होती है तो आप देखो ना जैसे 0.73 और इस तरीके से डाउन रहेगा। तो अल्टीमेटली ये हमारा जो पावर फैक्टर है मोटर का, कैसे फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो पावर फैक्टर किसे कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन एक्टिव कंपोनेंट एंड ऑपरेट कंपोनेंट। मतलब ये कह सकते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट बटे ऑपरेंट कंपोनेंट या टोटल आईई बटे आई, आईई क्या है एनर्जी का, एक्टिव कंपोनेंट एनर्जी का, आई टोटल केडब्ल्यू केवीए और आर अपॉन जेड। तो ये हमारा पावर फैक्टर, मैंने बताया कि मोटर का नो लोड से लेके फुल लोड तक पावर फैक्टर कैसे इंक्रीज होता है। तो नो लोड कंडीशन में आई ई का मान एनर्जी कंपोनेंट जो कि डिपेंड करता है किस पे, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस पे और मैकेनिकल लोड पे, और ये कम रहता है, आई एम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो इसके पावर फैक्टर के और भी हमारे वीडियोस हैं, आप सर्च करेंगे तो वहां मिल जाएंगे। तो ये मैंने आज आपको जैसे बताया, तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो वीडियो लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।